डी एंड सी क्या होती है, डी एंड सी के दौरान क्या होता है, डी एंड सी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या ये बच्चेदानी की सफाई होती है उसको बोलते हैं। आज हम सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले हम बताएंगे कि डी एंड सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डी एंड सी का फुल फॉर्म होता है डायलेशन और क्यूरेटेज। ये एक शल क्रिया होती है जिसमें एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करके गर्भाशय ग्रीवा को फैलाकर यूटेराइन लाइनिंग को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि डी एंड सी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस काम में आता है। अब हम बताएंगे डी एंड सी क्या है। गर्भाशय से अवांछित ऊतक टिश्यू को हटाने के लिए डायलेशन और क्यूरेटेज यानी कि डी एंड सी क्रिया की जाती है। डॉक्टर महिलाओं में गर्भपात होने के बाद अवशेष को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। डायलेशन और क्यूरेटेज प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर को सुन करने के लिए दवाएं भी दी जाती हैं, जिनमें एनेस्थीसिया को शामिल किया जाता है। उसके बाद अवशेष को बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि डी एंड सी क्या होता है। अब हम बताएंगे डी एंड सी प्रक्रिया से पहले की तैयारी कैसे की जाती है। डॉक्टर इस प्रक्रिया से कुछ देर पहले आपको कुछ भी खाने पीने को मना कर देते हैं, या यूं कहें खाना या कोई भी तरल पदार्थ का सेवन ना करें ने की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आपको एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा दी जाती है, जिससे आपको थोड़ी देर बाद नींद आ सकती है, इसलिए डॉक्टर आपको आराम की सलाह देते हैं। अब हम बात करेंगे, आपको डी एंड सी की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सबसे पहले डी एंड सी के लिए आपको एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा दी जाती है। हालांकि एनेस्थीसिया स्थानीय क्षेत्रीय शमान आपके चिकित्सा इतिहास के कारण पर निर्भर करता है। यदि आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी आपको एनेस्थीसिया दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। इसके बाद वजाइना में स्पेकुलम को डाला जाता है और सर्विक्स को दबाकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कट लगने और टाँकने जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर उपकरण की मदद से यूट्रस को खरोच कर ऊतक को बाहर निकालते हैं। अब हम बताएंगे डी एंड सी की प्रक्रिया के बाद डॉक्टर आपको क्या क्या सलाह देते हैं। डी एंड सी की प्रक्रिया के बाद कुछ घंटे तक आपको अस्पताल में रहने की सलाह देते हैं डॉक्टर, ताकि वे भारी रक्तस्राव या अन्य जटिलताओं की निगरानी कर सके। यदि आपको समान एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको उल्टी या कुछ घंटे के लिए नींद भी आ सकती है। डी एंड सी के समान दुष्प्रभाव में क्या क्या शामिल है, अब हम वो बताएंगे। डी एंड सी की प्रक्रिया के बाद आपको पेट के निचले हिस्से में ऐठन भी हो सकती है, या आपको स्पॉटिंग या हल्का रक्तस्राव भी हो सकता है। ऐठन में राहत पाने के लिए डॉक्टर इबुप्रोफेन जैसी दवा दर्द निवारक आपको लिख सकते हैं। आप एक से दो दिनों में अपनी समान अवस्था में भी आ सकती हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।